एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग ऑनेस्टी। तो आज का हमारा टॉपिक है कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर मींस सीसीएफ। और सीसीएफ में क्या रहता है? कंजेस्टिव कार्डिक आउटपुट ड्यू बिकॉज ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक फेलियर्स, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी स्टडी किया था। आज हम कर रहे हैं क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ सीसीएफ। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर हम बात करें तो इसमें थ्री ऐसे मेन कॉजेज होते हैं जिनकी वजह से जो है फीचर्स शो होते हैं। फर्स्ट है इम्पेयर्ड मायोकार्डियल फंक्शन, सेकेंड इज पल्मरी कंजेशन एंड लास्ट वन इज सिस्टमिक वीनस कंजेशन। तो मायोकार्डियल फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाएगा, इसके वजह से क्या होगा? मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डियल फंक्शन इम्पेयर्ड होने की वजह से क्या राइज होगा? मायोकार्डाइटिस। तो ये हमने इटियोलॉजी में भी स्टडी किया था मायोकार्डाइटिस। नेक्स्ट इज पल्मरी कंजेशन एंड सिस्टमिक वीनस कंजेशन। तो देखो, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा? जो वीनस रिटर्न है सुपीरियर एंड इंफीरियर वीन के वजह से उनका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? पल्मोनरी कंजेशन एंड सिस्टमिक वीनस कंजेशन। देखते हैं इम्पेयर्ड मायोकार्डियल फंक्शन की वजह से कौन कौन से ऐसे फीचर्स है जो हमें शो होंगे। फर्स्ट इज टैकीकार्डिया, सेकेंड इज पुअर परफ्यूजन, पुअर पेरिफेरल पल्स, फैटीग, पेलर, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, एक्टिविटी इंटॉलरेंस, टैकीकार्डिया क्यों प्रेजेंट रहेगा? हमने पैथोफिजियोलॉजी में किया था कि जो कार्डिक आउटपुट है स्ट्रोक वाले में दोनों ही इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? टैकीकार्डिया, फास्ट हर्ट रेट। टैकीकार्डिया मींस फास्ट हर्ट रेट। ओके, नेक्स्ट इज पुअर परफ्यूजन। पुअर परफ्यूजन मींस जो पेरिफेरल परफ्यूजन है वो पुअर रहेगी। पेरिफेरल परफ्यूजन क्योंकि आयोटा जो है वो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। अब जो डिसेंडिंग आयोटा है वहां क्या हो रहा है? डिसेंडिंग आयोटा है वहां से इनफ क्वांटिटी में ब्लड अप्लाई नहीं हो पा रहा है ड्यू बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट कार्डिक आउटपुट। तो उसकी वजह से क्या होगा? पुअर पेरिफेरल परफ्यूजन। ओके, पेरिफेरी वर्ड होता है उसका मतलब होता है हर्ट से अवे, मीन्स अवे फ्रॉम द हर्ट, एंड जो भी लोअर एक्सट्रीमिटीज है उन्हें ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से क्या होगा? पुअर पेरिफेरल परफ्यूजन। अब पुअर पेरिफेरल परफ्यूजन प्रेजेंट है तो उसके रिजल्ट में क्या होगा? पुअर पेरिफेरल पल्स, जो भी पेरिफेरल पल्सेस हैं वो भी वीक मिलेंगी। वीक पेरिफेरल पल्स, थाई से लेते हैं फिमोरल पल्स, तो अगर हम फिमोरल पल्स लेंगे तो हमें वीक मिलेगी। नेक्स्ट इज फैटीग। फैटीग मीन्स इजी फेटाइजेबिलिटी या फिर मेलेज, वीकनेस, पेशेंट को वीकनेस फील होगी। नेक्स्ट इज पेलर, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, उसका रिजल्ट आएगा पेलर। ओके, नेक्स्ट इज कोल्ड एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज जो है वो कोल्ड रहेंगी, इसका रीजन भी यही है पुअर परफ्यूजन, पुअर पेरिफेरल परफ्यूजन, जिसकी वजह से क्या होगा? जो एक्सट्रीमिटीज है वो भी कोल्ड रहेंगी क्योंकि ब्लड सप्लाई जो है वो इनफ नहीं है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी इंटॉलरेंस। तो एक्टिविटी इंटॉलरेंस रहेगी ड्यू बिकॉज ऑफ कॉल्ड एक्सट्रीमिटीज। ओके, अब देख रहे हैं पल्मरी कंजेशन की वजह से कौन कौन से फीचर शो होंगे। फर्स्ट है टैकीपनिया। टैकीपनिया मींस फास्ट ब्रीदिंग। अब बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो टैकीकार्डिया एंड टैकीपनिया में कंफ्यूज हो जाते हैं। टैकीकार्डिया मींस फास्ट हर्ट रेट। अब इसे कैसे हम याद रख सकते हैं? कार्डिया मींस कार्डिया हर्ट के लिए यूज किया जाता है, तो फास्ट हर्ट रेट होगा टैकीकार्डिया। एंड जो निया है टैकीपनिया, निया जो है वो ब्रीदिंग के लिए यूज किया जाता है, दैट्स व्हाई इसे हम बोलते हैं फास्ट ब्रीदिंग। ओके, नेक्स्ट इज साइनोसिस। साइनोसिस मींस ब्लूइश डिस्कलरेशन। ब्लूइश डिस्कलरेशन प्रेजेंट रहेगी क्योंकि पल्मरी कंजेशन है। नेक्स्ट इज नेजल फ्लेरिंग। ओके, अब देखो साइनोसिस है,
साइनोसिस की वजह से क्या प्रेजेंट होगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, और ब्रीदिंग डिफिकल्टी को हम बोलते हैं डिस्निया। अब यहां भी ब्रीदिंग के लिए यूज हुआ है और डिफिकल्टी, दैट्स वाई इसे हम बोल रहे हैं डिस्निया। तो साइनोसिस की वजह से डिस्निया प्रेजेंट है एंड डिस्निया की ही वजह से क्या हो रहा है, डिस्निया के रिजल्ट में आ रहा है नेजल फ्लेरिंग। तो जो चाइल्ड होगा उसे क्या होगा, नेजल फ्लेरिंग ब्रीदिंग डिफिकल्टी की वजह से। नेक्स्ट इज चेस्ट रिट्रैक्शन, जो चेस्ट है वो रिट्रैक्ट होगी। तो ये जितने भी क्लिनिकल फीचर्स हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं। हम देखते हैं सिस्टमिक वीनस कंजेशन की वजह से कौन कौन से फीचर्स जो है वो शो होंगे। फर्स्ट है हिपैटोमैगली। हिपैटो लीवर के लिए यूज किया जाता है एंड मैगली मीन्स इंक्रीज इन साइज। तो लीवर का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सिस्टमिक वीनस कंजेशन है, जो वीनस ब्लड है उसकी क्या हो रही है, एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड बोल सकते हो वीनस ब्लड को। तो दैट्स व्हाई क्या हो रहा है, हिपैटोमैगली। नेक्स्ट इज पेरिफेरल एडिमा। पेरिफेरी मीन्स अवे फ्रॉम द हार्ट। मीन्स जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है उसका क्या हो जाएगा, एडिमा। वहां पर भी क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट इज स्क्रोटल एडिमा। इसी तरीके से जैसे पेरिफेरल एडिमा हुआ है तो स्क्रोटल, स्क्रोटल मीन्स स्क्रोटम, स्क्रोटम का भी हो जाएगा एडिमा। नेक्स्ट इज ओलिग्यूरिया। नेक्स्ट वन इज ओलिग्यूरिया। तो हमने पैथोफिजियोलॉजी में स्टडी किया था कि जो ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन का प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन का प्रोसेस वो किडनी में प्रेजेंट होता है, और जो प्री यूरिन होता है उस प्रोसेस में क्या होता है, प्री यूरिन में से वाटर एंड कुछ सॉल्यूट्स को रिमूव कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है। तो ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन क्या हो रहा था, इसमें इंक्रीज, जिसकी वजह से जो वाटर है और सॉल्यूट्स है वो लार्ज क्वांटिटी में जो है सेपरेट हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बॉडी में वाटर रिटेंशन, और वाटर रिटेंशन की वजह से होगा ओलिग्यूरिया। ओलिग्यूरिया मीन्स लेस यूरिन आउटपुट, बॉडी में वाटर रिटेंशन की वजह से प्रेजेंट होगा ओलिग्यूरिया। ओके, नेक्स्ट इज एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, फीडिंग डिफिकल्टीज। तो जो चाइल्ड है उसे फीडिंग डिफिकल्टीज होगी। फीडिंग डिफिकल्टीज क्यों होगी, क्योंकि एनोरेक्सिया होगा। एनोरेक्सिया मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट। एनोरेक्सिया मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स जो चाइल्ड है उसे भूख नहीं लग पाएगी, तो उसे हम बोलेंगे एनोरेक्सिया। तो एपेटाइट जो है वो लेस हो जाएगी। नेक्स्ट इज एनोरेक्सिया की वजह से ही क्या हो रहा है, फीडिंग प्रॉब्लम्स। एंड फीडिंग प्रॉब्लम्स है तो ऑब्वियस बात है कि क्या होगा, पुअर वेट गेन, वेट गेन भी पुअर रहेगा। तो ये जितने भी क्लिनिकल फीचर्स हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं। हम कर रहे हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। फर्स्ट है हिस्ट्री ऑफ इलनेस। जो भी चाइल्ड है उसकी हिस्ट्री लेंगे कि इलनेस जो है मीन सीसीएफ है, उसको वो प्रॉब्लम कब हुई, कब से कितने टाइम से प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में ऐसी फोर बेसिक टेक्निक्स होती है जिनकी हेल्प से हम फिजिकल एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर पाते हैं। तो सीसीएफ में हम मेनली टू टेक्निक्स की हेल्प से डायग्नोज करेंगे। फर्स्ट इज पैल्पेशन, सेकेंड इज ऑस्कल्टेशन। जब हम ऑस्कल्टेट करते हैं, ऑस्कल्टेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, एंड पैल्पेट जब हम करते हैं, पैल्पेशन करते हैं, तो वो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर ओन हैंड्स। देखो पैल्पेशन से हमें क्या रिवील होगा, जब हम पैल्पेट करेंगे तो हमें फील होगा कि एडिमा प्रेजेंट है या नहीं है। एडिमा मीन्स जो भी एक्यूमुलेट हो रहा था फ्लूइड वीनस कंजेशन की वजह से, तो एडिमा मीन्स होता है स्वेलिंग, तो उसे हम पैल्पेट कर पाएंगे। एंड जो हमने किया था हिपैटोमैगली, जो एक क्लिनिकल फीचर था सिस्टमिक वीनस कंजेशन की वजह से, तो हिपैटोमैगली में भी हम लीवर को पैल्पेट करेंगे जिससे हम इजिली डायग्नोज कर पाएंगे कि हिपैटोमैगली प्रेजेंट है या नहीं है। नेक्स्ट है ऑस्कल्टेशन। देखो स्टेथोस्कोप की हेल्प से हम ऑस्कल्टेट करेंगे। जैसे हमने क्लिनिकल फीचर्स किया था टैकीकार्डिया, जिसमें क्या था फास्ट हार्ट रेट, तो उसे हम इजिली ऑस्कल्टेट कर पाएंगे, मर्मर साउंड को सुन पाएंगे, टैकीकार्डिया प्रेजेंट है या नहीं है उसे हम इजिली डायग्नोज कर पाएंगे। ओके, ऑस्कल्टेशन हम लंग्स की भी करेंगे इसमें। अब देखो लंग्स की क्यों करेंगे, लंग्स में अगर क्रैकिंग एंड वीजिंग साउंड प्रेजेंट है, इट मीन्स सीसीएफ प्रेजेंट है।
तो दैट्स व्हाई हम लंग्स की क्या करेंगे, अस्कल्टेशन विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप. ओके, नेक्स्ट इज चेस्ट एक्सरे. अब चेस्ट एक्सरे हम परफॉर्म करेंगे. चेस्ट एक्सरे से हम डायग्नोज कर पाएंगे हर्ट एनलार्जमेंट, पल्मोनरी कंजेशन. तो जो मेन इन्वेस्टिगेशन है सीसीएफ पे वो है चेस्ट एक्सरे. हम करते हैं मैनेजमेंट. फर्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट. तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम प्रोवाइड करेंगे सेडेटिव्स. अब सेडेटिव्स क्यों प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि चाइल्ड को जो है एंजाइटी होगी, तो एंजाइटी को रिमूव करने के लिए हम सेडेटिव्स देंगे. इसका एम क्या है, इसका पर्पस क्या है, टू रिड्यूस एंजाइटी. एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए हम देंगे सेडेटिव्स. देखो डिजिटेलिस का फंक्शन क्या है, ये अरिथमियास को करेक्ट करता है, मींस हेल्पफुल इन मेंटेनिंग रिदम. ओके, डिजिटेलिस के साथ हम पोटेशियम सप्लीमेंट भी देंगे एंड आयरन थेरेपी भी दे सकते हैं अगर अनीमिया प्रेजेंट है तो. नेक्स्ट इज डायरेटिक्स. अब देखो वाटर रिटेंशन है क्योंकि इंक्रीज ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन प्रेजेंट है किडनीज में, तो वाटर रिटेंशन की वजह से यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो रहा है. यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो रहा है तो हमें डायरेटिक्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे. डायरेटिक्स क्या करते हैं, यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज यूरिन आउटपुट. और जो हमारा मेन जो इसमें हम डायरेटिक प्रोवाइड करेंगे वो है फ्रिस्माइड. हम ऑरली भी दे सकते हैं एंड पेरेंट्रली भी दे सकते हैं. तो डोज इसकी कितनी होगी, इसकी डोज कितनी होगी, 0.5 टू 1.5 mg पर केजी, पर केजी ऑफ बॉडी वेट. ओके, नेक्स्ट है एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक क्यों देंगे, देखो हमने जब इसकी इटियोलॉजी को स्टडी किया था तो हमने दो कॉजेस किए थे. फर्स्ट इज कंजेनिटल कॉज एंड सेकेंड इज एक्वायर्ड. तो एक्वायर्ड में था रूमैटिक फीवर, रूमैटिक हर्ट डिजीज, जिनकी कॉम्प्लिकेशन है कंजेस्टिव कार्डियक फेलर. तो रूमैटिक फीवर की अगर हम बात करें तो उसमें शॉर्ट थ्रोट रहता है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से. तो उसके लिए हम प्रोवाइड करेंगे एंटीबायोटिक थेरेपी. एंटीबायोटिक थेरेपी प्रोवाइड करेंगे एंड मेनली यूज एंटीबायोटिक्स होते हैं कॉक्सिसिलिन, अमीकासीन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन. एंड अब हम वेजोडायलेटर्स भी साथ में प्रोवाइड करेंगे. वेजोडायलेटर्स क्यों प्रोवाइड करेंगे, कार्डियक लोड को रिड्यूस करने के लिए, कार्डियक वर्क को रिड्यूस करने के लिए, टू रिड्यूस कार्डियक वर्क. जब हम वेसल्स को हम डायलेट कर देंगे, मींस वेजो डायलेटर्स प्रोवाइड करने के बाद जो वेसल्स है वो डायलेट हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो कार्डियक वर्क है वो रिड्यूस हो जाएगा. अब इनएडिक्वेट कार्डियक आउटपुट प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई हम प्रोवाइड करेंगे वेजो डायलेटर्स. अब हम देखो सर्जिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और डायलिसिस. अगर देखो पैथोफिजियोलॉजी में हमने स्टडी किया था कि किडनीज में क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा, एंटीबुलरी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा. तो उसके लिए हम परफॉर्म करेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिर और डायलिसिस परफॉर्म करेंगे. नेक्स्ट इज कार्डियक ट्रांसप्लांट. कार्डियक ट्रांसप्लांट मींस हार्ट ट्रांसप्लांट. देखो सीसीएफ का अगर एंड स्टेज चलेगा, एंड स्टेज अगर सीसीएफ एंड स्टेज पे है जो कि मेडिकल इंटरवेंशन और नर्सिंग इंटरवेंशन से भी करेक्ट नहीं हो पा रही है, तो हम लास्ट में हम करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट. सर्जिकल मैनेजमेंट में हम सर्जिकल इंटरवेंशन में हम करेंगे कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन. तो सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या देंगे, कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन मींस हर्ट ट्रांसप्लांटेशन, और वो कब देंगे, एंड स्टेज सीसीएफ में. देखो अगर हम नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग ट्रीटमेंट की बात करें, नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें, तो सीसीएफ एक हर्ट डिजीज है. तो जो भी हर्ट पेशेंट्स होते हैं, चाहे वो एडल्ट हो या फिर वो चाइल्ड हो, तो हम उसे फर्स्ट बेड रेस्ट प्रोवाइड कराते हैं. बेड रेस्ट के बाद कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड कराते हैं. कंफर्टेबल पोजीशन में हम ऑर्थोपनिक कार्डियक पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे, सैमिसिटिंग पोजीशन जिसे हम बोलते हैं, एंड जो भी मेडिकेशन है जो भी पीडियाट्रिशियन ने
प्रिस्क्राइब की हुई है उसे एडमिनिस्टर करवाना है। यूरिन आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट हम मेंटेन करके रखते हैं। पोस्ट आर डाइट प्रोवाइड करानी है एंड इनपुट एंड आउटपुट चार्ट मेंटेन करके रखते हैं। तो ये सब आते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन में। अब हम बात करते हैं प्रोग्नोसिस, जो CCFS में प्रोग्नोसिस गुड रहेगा या फिर वो बैड रहेगा। देखो, अगर हम प्रोग्नोसिस की बात करें तो CCF में जो प्रोग्नोसिस है वो कोज एंड ट्रीटमेंट पे डिपेंड करता है कि जो चाइल्ड है उसे CCF कौन से कोज की वजह से हुआ है या फिर उसके ट्रीटमेंट फैसिलिटीज कैसी हैं। तो अगर हम अर्ली डिटेक्शन कर ले एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज जो है वो बेटर हम प्रोवाइड करें तो प्रोग्नोसिस क्या होगा, गुड। ओके, आज हमने किया क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट एंड प्रोग्नोसिस ऑफ CCF। एंड आज की वीडियो जरा सी भी यूजफुल लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।